The Delhi police on Monday arrested a 38-year-old serial rapist for allegedly sexually assaulting uncountable schoolgirls. The accused, identified as Sunil Rastogi, a tailor by profession, used to kidnap minor girls going to home from school on the pretext of their parents calling them. He used to take the minor girls to a secluded place and would sexually assault them. Divulging details, DCP East Omveer Singh said, 13 December 2016 को एक बच्ची जो अपने स्कूल से वापस आ रही थी, उसको एक मिसक्रिएंट ने बहला फुसला करके एक खाली बिल्डिंग में लेकर के गया और उसके साथ उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया और बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करने का अटेम्प्ट किया। बच्ची चिल्लाई, वो भाग गया। उसके बाद बच्ची ने अपनी माँ को जाकर के सारी बात बताई। उसी दिन से हमने इलाके में मौजूद सीसीटीवी की फुटेज और अवेलेबल लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करते करते हमको एक दिन उसका सीसीटीवी का फुटेज मिला, जिसमें बच्ची ने एक्यूज्ड को पहचान लिया और हमने उसमें उसको उस बिल्डिंग से निकलते हुए देख लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने इलाके में काफ़ी पूछताछ की, फोटो डेवलप करा करके लोगों से पूछताछ की और न्यू अशोकनगर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी इलाके में उसके फोटो सर्कुलेट कराए। इसी बीच 12 जनवरी सन 2017 दो बच्चियों की किडनैपिंग हुई 2 घंटे के अंतराल में, जिसमें से एक बच्ची को बहला फुसला करके और वो झाड़ियों की तरफ लेके गया था, बट शोर मचा दिया और वो खुद भाग गया। दूसरी बच्ची को भी एक खाली बिल्डिंग में ले जाने की कोशिश कर रहा था, ये कह करके कि आपके पापा ने मुझे कुछ कपड़े दिए हैं, वो आपको देने हैं और ये ले जाओ। तब बच्ची ने शोर कर दिया और उसका अटैम्प्ट ये भी कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद जब वो बच्चियों को फोटो पुराने वाले दिखाई गई तो उन बच्चियों ने भी उस फोटो को पहचान लिया। इसके आधार पर पुलिस की टीम बनाई गई और पुलिस टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर इस आदमी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा दिया। इसको कल पकड़ा है और इंटरोगेशन में बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एक पीडोफाइल क्रिमिनल है, टेलर का काम करता है। 1990 तक मुलजिम दिल्ली में रहता था, इसी इलाके में, और 90 के बाद रुद्रपुर में रह रहा है। उसके बाद इसका इंटरोगेशन में इसने बताया कि आमतौर से हफ्ते में एक दिन ये रुद्रपुर से आता और अपनी पीडोफाइल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा 7 से 10 साल की बच्चियों को टारगेट करता था, और ख़ासतौर से उस समय जब स्कूल की छुट्टी हो और कोई बच्ची अकेली इसको मिल जाए, उसको किसी तरह से ल्यूर देता। चूँकि टेलर का काम करता है तो प्राय कपड़ों का लालच दिया करता था, तो आपके पापा ने आपके लिए नए कपड़े भेजे हैं, और अपने फिर उसको लस्ट का शिकार बनाता। According to sources, the rapist targeted the minor girls not only in Delhi but even in Uttar Pradesh and Uttarakhand.